सो वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप जाना हमको गेम खेलना है भाई। मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकता। नहीं भाई, खेल सारा तू चिल्लाता है सारा। लुक जा, मैं चाह रहा हूँ। तो भाई अक्षय ने रूम से भगा दिया, कुछ नहीं होता। लेकिन अब मैं तुम्हें देखो, तुम पे सिर्फ 4 दिन बच रहे हैं, ठीक है? तुम सब पे सिर्फ 4 दिन बच रहे हैं और इन 4 दिनों में तुम्हें क्या करना है? देखो अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें 4 दिन का कोई प्लान बता दूं कि ये चैप्टर्स कर लो। तो अब ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें सिर्फ 4 दिन का प्लान बता दूं, समझ रहे हो? ये भाई तुम पे 4 दिन है, ये पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ऑफकोर्स नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बस 4 दिन का टोटल मैंने तुम्हें चैप्टर्स बता दिए कि 4 दिन में ये कर लो, तुम्हारे 98% आ जाएंगे। नहीं भाई, वो प्रॉपर क्लिक बेट होगी और बेवकूफ नहीं बनाना चाहता बस मैं ऑडियंस का, ठीक है? और बाकी बात रही तो मैंने कुछ लिखा था, बहुत तेज कहीं भगाता रहा, कीचड़ में एक बार में तो फंस जाएगी। अरे कहां फंसेगी, फोर में एक बार में निकल जाएगी, एरोडायनामिक फाड़ देगी। एक चौड़ होती है थार में, मैं गया उसको फाड़ दे, एक अलग मोड है। मैं पूछ रहा हूं क्या डिस्कस कर, कंफर्ट देख, इसमें कंफर्ट नहीं है। अरे भाई रुक जा, मैं पूछ रहा हूं क्या स्कॉर्पियो बेच रहा है भाई, तू बता थार बढ़िया स्कॉर्पियो, कंफर्ट देख, उसमें उसमें गेट भी नहीं है, पिछला गेट नहीं है, गद्दी हटा के आना पड़ता है। कहीं चला जा तू, नहीं मतलब ट्रैकिंग करो, इसका इलाज है। तो भाई देखो, अगर तुम सबको भी जानना है कि स्कॉर्पियो तेज भागती है फिर थार तेज भागती है, तो भाई मेरा एक दोस्त है लक्ष्य चौहान नाम से, उसका व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है? और उसने ड्रैग रेस करवाई है, तो भाई वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तुम्हें। सही में? हाँ भाई, पता चल जाएगा, तुम दोनों को भी पता चल जाएगा कि स्कॉर्पियो तेज है थार तेज है, और क्या पता चल जाएगा। बस कहाँ है चैनल, तुम सब भी देखो उसकी भाई की वीडियो, मिल गया भाई, क्या वीडियो है भाई लड़के की। तो बस तुम सब भी वीडियो देखो और बताओ कैसी है, ठीक है? भाई को प्यार दिखाओ, बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्कॉर्पियो भाई देखते हैं कौन सी बढ़िया है, ठीक है? तुम सब देखना भी। तो भाई देखो, पहले तो तुम सबको ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। क्यों हेल्थ का ख्याल रखना है? तुम्हारी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम पेपर अच्छे से दे पाओगे, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो तुम पेपर अच्छे से बिल्कुल नहीं दे पाओगे। दिमाग पे जोर पड़ता है हेल्थ का। हेल्थ के लिए तुम ये काम कर सकते हो, जैसे अभी गर्मी हो रही है आजकल, ठीक है? तुम गर्मी में बाहर से अगर आ रहे हो तो एकदम से पंखे में ना बैठो, मतलब तुम्हें पता है ये चीज मैं क्या ही बता रहा हूँ। बस तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा डाइट प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि तुम सुबह क्या खा रहे हो, तुम शाम में क्या खा रहे हो, रात में क्या खा रहे हो, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा खाना खाओगे, चिकना तेल, ज्यादा बेकार तेल होगा, वो दिमाग पे इफेक्ट डालेगा, तुम्हारा दिमाग भी उतना तेज काम नहीं कर पाएगा। मतलब जंक फूड का बहुत फर्क पड़ता है, तो जंक फूड को अवॉइड करो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है? घर पे जो मम्मी बनाए वो खाओ, और मम्मी की चप्पल। तो भाई मेन थिंग, रात में सोना। तो मेन थिंग भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, क्योंकि अभी देखो तुम पे 4 दिन है, तुम अपना रूटीन सुधार सकते हो, राइट? मतलब तुम अपना रूटीन इतना अच्छा बना सकते हो कि तुम रात को जल्दी सो रहे हो और सुबह तुम 7:30-8 बजे उठ रहे हो। तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हें उठने के बाद क्या करना है, लेकिन सबसे पहले तुम पे अभी 3-4 दिन है, उतने में तुम अपना सोने का और उठने का रूटीन सुधार लो, क्योंकि वो चीज़ डिपेंड करती है कि तुम्हारा माइंड किस वक्त पे काम कर रहा है, तुम अभी उस चीज़ को चेंज कर दोगे। किसी का दिमाग ऐसा होता है जो शाम को चल रहा है, किसी का दिन में चल रहा होता है, उतना ही अच्छा वर्क कर रहा होता है। तो उस दिमाग को तुम्हें ऐसा बनाना है कि वो अपना काम करे, और वो तब करे जब तुम्हारी शिफ्ट हो। तो बाकी बात करते हैं अब अपनी अगली, कि तुम्हें कब क्या क्या करना है, ये मेन चीज़ है, सारे के सारे सुनना। अब जैसे तुम सुबह उठोगे, लाइक तुम उठ रहे हो सुबह 7:30-8 बजे मान लेते हैं, तुम खाना वाना खाओ या कुछ खाओ मत खाओ, मतलब खाना वाना खाओ आराम से, बात करो मम्मी से। उसके बाद एग्जैक्टली जिसकी सुबह शिफ्ट हो 9 बजे, ठीक है, और जिसकी दिन में शिफ्ट हो, उन दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग है। तो जिसकी सुबह 9 बजे शिफ्ट है भाई, 9 से लेकर 12 बजे तक तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट में जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, और वो तुम्हें कंसिस्टेंटली, जैसे तुम पूरा पेपर दे रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट बैठना है उतने टाइम तक, और जैसे तुम अपना असली जेई मेन का पेपर दोगे, असली तो सारे ही देते हैं, मतलब जो अब आने वाला पेपर दोगे, तुम्हें उसी पोटेंशियल से और उसी सीरियसनेस से वो पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब 9 से लेकर 12 तक तुम्हें पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन और उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें आराम कर लेना, एक काम करना, 1-1.5 घंटे का आराम कर ले। मान लो किसी ने सुबह 9 बजे दिया है, ठीक है, 9 से 12, 2 बजे तक आराम कर लो, लेकिन 2 बजे के बाद तुम्हें वो पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करना। अब मैं एनालाइज के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, अगर तुम एनालाइज करोगे ना, तो ऐसा होता है कि तुम्हें पता रहेगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें ये पता रहेगा कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, और तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हें कहाँ पे टाइम लग रहा है, कि तुम कहाँ पे सही कर रहे हो, क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है उस समय पेपर सॉल्व करते हुए। अब अगर तुम्हें ये चीज़ पता होगी तो तुम पेपर में वो गलती नहीं करोगे। अब मान लो पहले दिन तुमसे कुछ गलती हुई, तुम क्वेश्चन में अटके किसी चीज़ की वजह से, अगर तुम अगली बार दोगे तो मे भी तुम उस समय ना अटको उस चीज़ में। तो उसी से बहुत फर्क पड़ता है कि तुम कैसे पेपर को एनालाइज कर रहे हो। देखो, पेपर देना और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी दिन में शिफ्ट 2 से 5, वो भी सेम प्रोसीजर करे, बट 2 से 5 पे करे। अब तो अगली बात आती है रेस्ट लेने पे। अब देखो, तो रेस्ट तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने ना बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, तुम 18 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे
पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो, नो मैटर कि बहुत घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं बस, बाकी पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा शरीर इस समय पूरा बर्न हो चुका है, मतलब तुम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम करवा चुके हो, या जो करवाना चाहिए वो तुम्हें करवा लिया, लेकिन अब थोड़ा रेस्ट कर लिया करो दिन में, ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग को भी शांत रखो, कूल डाउन रहो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर तुम इस फेज पे अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस दोगे, ज़्यादा प्रेशर दोगे, तो तुम नहीं कर पाओगे यार पेपर में अच्छा, होता है, मतलब किसी के लिए ये चीज़ मैटर करती है और किसी के लिए ये चीज़ नहीं करती। मैं अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं देता ना, मेरे को याद है मेरा पेपर था और मैं एक दिन पहले बैठ के वीडियो शूट कर रहा था, और वो वीडियो बस मतलब अपने लिए कर रहा था, बैठ रखा था कि बस अपने आप से बातें कर रहा था कि कल मेरा पेपर है और ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है, तो ऐसे ही रहता है। और भाई अभी तक किसी ने अगर एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करी है कर लो यार, जेईई मेंस में तो कर लो, एनसीईआरटी से तो बहुत आता है, ठीक है, पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर करो, और वही है मतलब कि अपना पेपर एनालाइज कर लेना, ठीक है, अपना रूटीन सुधार दो, खाने की डाइट अच्छी रखो, अपनी हेल्थ पे ख्याल रखो, माँ बाप की कदर करो, और मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स कर लो ज़्यादा, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगा लो जो मैक्सिमम वेटेज के होते हैं। अब तुम्हारे 3-4 दिन रह चुके हैं, इस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करना, और अब मैं तुम्हारी जिससे मुलाकात कराने जा रहा हूँ उसकी रैंक जेईई एडवांस पे 284 थी, और रायन लेट्स गो। हाय रायन भाई, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया, मैं बस आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और वो चीज़ ऐसी है, देखो जैसे अभी जेईई मेंस जो बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट 2 है सबका, और बस उनके पास 4 दिन बचे हैं, ठीक है, और 4 दिन में कोई पढ़ के एकदम तो ला नहीं सकता, लेकिन अब उनको क्या करना चाहिए इन 4 दिनों में, क्योंकि यार देखो इनके 4 दिन ज़्यादा प्रीशियस माने जाते हैं, मेरे जानने में तो मतलब ऐसा होता है कि एंड के दिन बहुत ज़्यादा प्रीशियस माने जाते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? भाई देख, ये लास्ट के 4 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इन 4 दिनों में कि तुम पढ़ाई पे फोकस ना करो, यू हैव टू फोकस ऑन गेटिंग योर कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ, जो मेंटल एबिलिटी है वो अभी अच्छी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पेपर के दिन जाके तुम्हें जो आना चाहिए, जो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है उन्हीं पे तुम फंस जाओ, तुम्हारे लाइक तुम्हें टाइम ना मिले, अभी के लिए वीक टॉपिक्स तुम्हें छोड़ देना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से फोकस करना है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहे, एंड ऑब्वियसली लास्ट डे पे रिलैक्स करना है एकदम एब्सोल्युट, वीडियो गेम्स खेलने हैं, मूवी देखने जाना है, वी डोंट केयर, लास्ट डे पे एकदम चिलैक्स करना है, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, कॉन्फिडेंस हाई रखने चाहिए, मेंटल हेल्थ हाई। हाँ, और जैसे मैंने एक चीज़ अभी रायन की ज़्यादा नोटिस करी, मतलब कि तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, लाइक एग्जैक्टली, अगर देखो पेपर में अगर ऐसा हुआ ना, पेपर में अगर ऐसा हुआ ना कि कोई टॉपिक है, ठीक है, जो तुम्हें सपोज क्वेश्चन नहीं आया और तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो कल ही पढ़ा था, लेकिन वो तुम्हारा वीक टॉपिक है इसलिए तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो तुम्हारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाएगा, पेपर में आगे क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा कभी किसी स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए हो ही नहीं सकता कि तुमसे अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम अगर पहले से पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप पिछले दिन पढ़ के जाओगे तुमसे हो ही जाएगा, और यही कॉन्फिडेंस लेवल तुम मेंटेन कर पाओगे बाकी के पेपर में। अगर तो तुम्हारा वीक टॉपिक है, अच्छा कोई वो एक महीने पहले पढ़ के गए हो, वो नहीं बनना तो ठीक है, चिल है, नहीं बनना नहीं पढ़ा था, लेकिन वो अगर परसों पढ़ के गए थे और फिर भी नहीं आ रहा, कितना और फिर वो आगे क्वेश्चन भी बनाने में हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस गिरा देगा। हाँ, सच बात है। बाकी थैंक यू सो मच रायन भाई, मैं भाई की इंस्टाग्राम लिंक भी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भाई बहुत प्यारा गाना गाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारा गाना गाता है, और अब तुम बोलोगे कि ये मैं गाना सुनाना, नहीं भाई गाना अच्छे से सुनाएंगे, ठीक है, वो क्लिप भी अच्छे से आएंगी जिसमें भाई अपना अच्छे से गाना गाएंगे, भाई बहुत टैलेंट है यार यहाँ के बंदों में, लाइक अभी एक पहले इससे पहले दीवान शूट कर रहा था, वो तो बंदा बहुत पंक्चुअल होता जा रहा है, बाकी अभी आर एन धारवा शूट कर रहा है, ये पीएफसी करता है, ठीक है, पीएफसी अब तुमने नहीं बताया, तो फोटोग्राफी करता है ये, और भाई डिजाइनिंग भी अच्छी कर लेता है, और ये क्या आ रहे हैं गौतम भाई, आपके फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाय इन दिस वर्ल्ड, और दिस वन धारवा। तो ऑल द बेस्ट आप सबको एग्जाम के लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और वही है बस फोड़ डालो पेपर को, और जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताओ कि और कुछ डाउट बताओ अपने कमेंट करके, और भाई का गाना सुनो नो स्लीप, ठीक है, मिलते हैं बाद में, तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहो, ठीक है, जाओ जाओ जल्दी पढ़ो। मेंस में आपकी कितनी रैंक थी? रैंक नहीं बता रहा हूँ।